और लेट्स सो पिछले वीडियो में मैंने पोको M4 5G का पॉजिटिव साइड बताया था, लाइक हाउ गुड दिस फोन इज, हाउ गुड द परफॉर्मेंस इज, हाउ गुड द डिज़ाइन एंड बिल्ड इज, हाउ गुड द बैटरी इज एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ इस फोन के नेगेटिव साइड पर फोकस करेंगे, लाइक एवरीथिंग दैट इज रॉन्ग विद दिस फोन। गुड साइड वीडियो विल बी राइट अप हियर और यू कैन फाइंड इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू, इन केस अगर अभी तक आपने वो वीडियो देखा ना हो या फिर से देखना चाहते हो फॉर कंपैरिजन पर्पस और वट एवर रीजन, इट विल बी ऑलवेज अवेलेबल। नाउ लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। स्टार्टिंग ऑफ विद अ माइनर इश्यू इन डिज़ाइन एंड बिल्ड सेक्शन। इफ यू वॉच द प्रीवियस वीडियो यू विल नो हाउ गुड द बैक पैनल इज एट अवॉइडिंग फिंगरप्रिंट स्मजर्स, बट इट्स नॉट द सेम विद दिस ग्लास पोर्शन अप टॉप। दिस कैमरा लेआउट विल ईजिली अट्रैक्ट फिंगरप्रिंट्स। अगर आपका फिंगर इसके कॉन्टैक्ट में आता है तो यहाँ पे दाग दिखाई देगा, लेकिन यूजुअली फिंगर यहाँ तक नहीं जाता। मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल रेस्ट राइट बिलो इट, सो नॉट अ बिग डील। बट इफ यू आर स्टिल वरीड अबाउट इट, जस्ट स्लाइड इट इन साइड द केस एंड योर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। दिस फोन इज ऑल्सो स्लाइटली ऑन द बल्की साइड विद 200 ग्राम्स ऑफ वेट, ह्यूज साइज, ह्यूज डिस्प्ले एंड मैसिव बैटरी ऑल कॉन्ट्रीब्यूट टू इट। सो इफ आर नॉट यूज टू अ ह्यूज डिस्प्ले एंड अ बल्कियर फोन, देन इट इज गोइंग टू टेक अ वाइल टू अडाप्ट टू दिस। देयर इज ऑल्सो दिस टाइनी एडिशन दैट इज मिसिंग। मे बी ये कुछ लोगों के लिए उतना मैटर नहीं करता होगा, बट इट इज अ डील ब्रेकर फॉर मी। और मैं जिस चीज की बात कर रहा हूँ वो है नोटिफिकेशन LED। लाइक मैं अपने Redmi Note 7 Pro को दूर से ही देख कर पता कर सकता हूँ इफ़ आई हैव गॉट एनी न्यू नोटिफिकेशंस, इफ द फोन इज चार्जिंग और नॉट, इफ माई बैटरी इज लो एंड अदर इंपॉर्टेंट स्टफ, जिसके लिए अभी मुझे फ़ोन फिजिकली हाथ में लेकर स्क्रीन ऑन करके देखना पड़ता है बिकॉज दिस फोन डजेंट हैव अ नोटिफिकेशन LED। टॉकिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर, यू मे एक्सपीरियंस माइनर बग्स हियर एंड देयर, लाइक द रीडिंग मोड टाइल इज बग्ड आउट, टच पे कुछ रेस्पॉन्ड नहीं करता, ये प्रेस एंड होल्ड करके सेटिंग्स में जाकर ऑफ या ऑन करना पड़ता है। ऐप्स कभी कभार रिसेंट टैब से डिसअपियर हो जाते हैं, एनिमेशंस गेट अ लिटिल चॉपी हियर एंड देयर, ओकेशनली OS लैग करने लग जाता है कुछ सेकेंड्स के लिए एंड देन इट कम्स बैक टू नॉर्मल, तो ये माइनर इश्यूज होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ द डिस्प्ले हियर इज अ वेरी गुड वन, बट इट्स नॉट अ परफेक्ट वन। 90Hz रिफ्रेश रेट काफ़ी सही है, एवरीथिंग दैट हैपन्स ऑन द स्क्रीन फील्स रियली स्मूथ एंड फ्लूइड। इट कैन ऑल्सो अडाप्ट टू द कंटेंट डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, लेकिन ये लिमिटेड है, इट कैन ओनली स्विच बिटवीन 30, 60 एंड 90 FPS, विच मीन्स अगर आप 90Hz पे डिस्प्ले यूज कर रहे हैं एंड द स्क्रीन इज स्टिल, देन इट विल ड्रॉप द रिफ्रेश रेट ऑल द वे डाउन टू ओनली 30 FPS, जबकि 5 FPS से भी काम हो सकता है, विच विल सेव अ बिट मोर बैटरी कंपेयर टू 30 FPS। एंड सरप्राइजिंगली मेरा 3 साल पुराना Redmi Note 7 Pro ये कर सकता है, इट कैन ड्रॉप द FPS ऑल द वे डाउन टू जस्ट 1 or 2 Hz when needed. नॉट अ ह्यूज इशू टू कंप्लेन, लेकिन होता तो अच्छा होता। इसके साथ ही आपको इसमें गोरिल्ला ग्लास 3 डिस्प्ले मिलता है, विच इज़ डेफिनेटली आउटडेटेड, बट द बिल्ड क्वालिटी इज गुड। मैं पिछले 2 महीने से इस फोन को विदाउट स्क्रीन गार्ड ही यूज़ कर रहा हूँ एंड द डिस्प्ले स्टिल लुक्स ग्रेट। वैन इट कम्स टू परफॉर्मेंस, दिस फोन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन सम एस्पेक्ट्स और कुछ चीज़ों में बिलो एवरेज हो जाता है। मल्टीटास्किंग को लेकर एक मेजर इशू है, लाइक कभी कभार रैम मैनेजमेंट इतना बुरा हो जाता है कि एक ऐप भी मेमोरी में नहीं रह पाता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ऐप मिनिमाइज करके दूसरे ऐप में स्विच करते हैं और फिर पहले वाले ऐप में रिटर्न स्विच करते हैं तो वो ऐप आउट ऑफ मेमोरी होगा और ऐप फिर से रिस्टार्ट होता है। अभी तो नहीं हो रहा वैसे, लेकिन होता है ये प्रॉब्लम। दिस इज़ रियली अनोइंग, लेकिन ये हमेशा नहीं होता, बट 3-4 दिन में एक बार ये इशू फेस करना पड़ता है रेगुलर बेसिस पे। OS पूरा स्लो हो जाता है और फिर फ़ोन रिस्टार्ट करना पड़ता है, जिससे सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाएगा एंड एवरीथिंग हैपन्स स्मूथली आफ्टरवर्ड्स। रैम मैनेजमेंट भी नॉर्मल हो जाता है, यू कैन ईजिली यूज़ 3 to 4 ऐप्स वाइल्ड मल्टीटास्किंग। सो ये जो ऑटोमाइज्ड मेमोरी फीचर है जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात किया था, यही फीचर है जो डिसाइड करता है कि कौन से ऐप को कितना मेमोरी प्रोवाइड किया जाएगा एंड कब किया जाएगा। सो ये डेफिनेटली उतना ऑप्टिमाइज नहीं है एंड इट नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ ट्यूनिंग विच कुड बी डन बाय सॉफ्टवेयर अपडेट्स, बिकॉज जहाँ तक मुझे लगता है ये हार्डवेयर इशू नहीं होगा, बिकॉज 4 GB रैम वाले फ़ोन्स जो हैं वो यूजुअली बेटर परफॉर्म करते हैं। मे बी द OS जस्ट नीड्स टू लर्न टू डिस्ट्रीब्यूट द रैम प्रॉपरली, दैट्स ऑल द इशू इज। नाउ सिट टाइट, बिकॉज अभी जो मैं बताने वाला हूँ इट विल बी अ लिटिल डिफिकल्ट टू टेक। दिस फोन डज नॉट हैव एन एक्चुअल जायरोस्कोप सेंसर इनसाइड इट।
लाइक मुझे नहीं पता ऐसा क्या प्रॉब्लम था कि एक 400-500 रुपए का जायरोस्कोप सेंसर इसमें ऐड नहीं कर पाए। मैंने मीडियाटेक डिमेंसिटी 700 जो प्रोसेसर है उसका स्पेसिफिकेशंस देखा एंड ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं था कि ये प्रोसेसर एक जायरोस्कोप सेंसर सपोर्ट नहीं करता या फिर एक जायरो सेंसर को हैंडल नहीं कर सकता। सो आई कैन ओनली थिंक ऑफ वन पॉसिबल रीजन टू नॉट ऐड दिस सेंसर विच इज शायद भूल गए होंगे। सो इट वर्क्स ऑन वर्चुअल सिमुलेटेड जायरो विच मीन्स इस फोन में जो मैग्नेटोमीटर और एक्सेलेरोमीटर सेंसर्स हैं वो दोनों मिलके जायरोस्कोप का काम करते हैं। सो देर इज अ लॉन्ग लॉन्ग डिले बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। आप सोलली जायरो पे डिपेंड रहते हैं गेमिंग के लिए तो आपको प्रॉब्लम होगी, स्पेशली इन फास्ट पेस्ड गेम्स लाइक पबजी, COD मोबाइल एंड अदर FPS गेम्स। सीरियसली इतना अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस है एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जायरो थिंग जायरो यूजर्स जो हैं वो इस फोन में अच्छा गेम खेल नहीं पाएंगे इवन विथ गुड फ्रेम रेट्स। और सॉफ्टवेयर से कितना भी ट्राई कर लो एक एक्चुअल फिजिकल जायरोस्कोप सेंसर जितना स्पीड नहीं मिल पाएगा। सो ये फिक्सेबल भी नहीं है, लेकिन अगर आपको जायरो से मतलब नहीं है तो यू गाइस आर गुड टू गो। मैं खुद भी पहले काफ़ी गेम वगैरह खेलता था पबजी एंड ऑल और कम्प्लीटली जायरोस्कोप सेंसर पर ही डिपेंड रहता। सो आई नो हाउ बिग ऑफ अ डील दिस इज फॉर जायरो यूजर्स, बट वंस अगेन इफ यू डोंट केयर अबाउट द जायरो सेंसर देन दिस इज पॉसिबली द बेस्ट गेमिंग फोन यू कैन गेट एट दिस प्राइस। सो दैट्स ऑल फॉर द नेगेटिव साइड वीडियो, पॉजिटिव साइड वीडियो विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। सो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। और अगर आप 11,000 के प्राइस रेंज में फ़ोन देख रहे हैं तो इस फ़ोन को डेफिनेटली कंसिडर कीजिए स्पेशली फॉर गेमिंग। वैसे ये वीडियो मैं 2 महीने पहले ही बनाने वाला था बट फॉर सम रीज़न बना नहीं पाया। अभी तो पोको M5 भी लॉन्च हो चुका है जिसका प्राइस 12,499 है शायद। सो आप वो भी कंसिडर कर सकते हैं वो फ़ोन भी अगर आपका बजट है उतना तो। नाउ बिफोर आई एंड दिस वीडियो, मैंने पिछले वीडियो में इस डेप्थ सेंसर की बात नहीं करी थी और अगर अभी भी नहीं करूँगा तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज ये डेप्थ सेंसर फोटोज़ में कुछ डिफरेंस क्रिएट करता ही नहीं है। आफ्टर ऑल डेप्थ सेंसर का प्राइमरी काम ही वही होता है डेप्थ सेंस करना और फोटोज़ में ब्लर इम्प्रूव करना, लेकिन इसके होने से और ना होने से यहाँ पे कोई फर्क नहीं आता। सो लाइक आई सेड दिस सेंसर जस्ट फिजिकली एग्जिस्ट ऑन दिस फोन। दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thanks for watching the video. I hope you guys enjoyed it, and if you did, make sure you drop a like and don't forget to subscribe the channel if this is your first time here. Thanks for watching. I'll catch you guys in the next one.